हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग G82 ड्रिलिंग साइकिल करेंगे। ये सेम ड्रिलिंग साइकिल की तरह होती है, पर इसमें 12 टाइम यूज़ होता है। तो 12 टाइम क्या है? ये G82 साइकिल में यूज़ होता है, और G82 साइकिल काउंटर बोरिंग साइकिल भी कहते हैं। बट अभी हम यहाँ G82 साइकिल, ये ड्रिलिंग साइकिल विद ड्वेल की तरह यूज़ करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो प्रोग्रामिंग से पहले हम लोग देख लेते हैं इसका सेंटेक्स क्या होता है। तो G82 XYZPRF, तो वन बाय वन हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो G82 ड्रिलिंग साइकिल विद ड्वेल। ड्वेल टाइम एक होता है जब हम लोग ड्रिलिंग ऑपरेशन करते हैं, तो लास्ट पॉइंट पे ड्रिल करते समय लास्ट डिस्टेंस या डेप्थ पे कुछ बर और चिप्स रह जाते हैं। तो वहाँ पे हम लोग स्पिंडल को कुछ सेकंड्स के लिए रोकते हैं। अराउंड 1 सेकेंड और 1.5 सेकेंड इज मच। वी यूजली टेक 0.5 सेकेंड्स और 1 सेकेंड। तो कुछ समय के लिए वहाँ पे ड्रिल को रोकते हैं, स्पिंडल को ऑफ हो जाता है इस कमांड से बेसिकली। तो इसकी वजह से बर और चिप्स जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं वहाँ से, और जो भी बर और चिप्स उसमें चिपक जाते हैं वो बेसिकली एकदम सरफेस फिनिश हो जाता है। तो इसीलिए G82 यूज़ करते हैं। और आगे देख लेते हैं एक्स, सेम एज G81, पोजीशन ऑफ होल इन एक्स एक्सिस, एंड वाई पोजीशन ऑफ होल इन वाई एक्सिस, एंड जेड डेप्थ ऑफ होल इन जेड एक्सिस। तो हम लोग अभी एक्स वाई जेड ये कौन सी एक्सिस होती हैं इसको अभी हम लोग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। इट्स बेसिकली डिपेंड ऑन G90 एंड G91 एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो उसके बारे में हम लोग एक सेपरेट वीडियोस पे डिस्कस करेंगे। और उसके बाद है ड्वेल टाइम। तो बेसिकली ड्वेल टाइम हम लोग G82 साइकिल में देते हैं। तो इसमें अगर हम लोग पी के साथ अगर हमें 2 सेकेंड के लिए रोकना है, एज्यूम करते हैं, वैसे 2 सेकेंड इज़ मोर, तो अगर एज्यूम कर रहे हैं 2 सेकेंड के लिए रोकना है, तो पी 2.0 अगर लिखते हैं तो मशीन 2 सेकेंड्स पढ़ती है। अगर हम लोग को मिली सेकेंड्स में देना है तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1000 मिली सेकेंड। सो अगर हम लोग पी 2000 लिखेंगे तो मशीन 2 सेकेंड्स के लिए रुकेगी वहाँ पे, उस पोजीशन पे। तो दिस इज़ हाउ द ड्वेल टाइम वर्क्स इन G22 साइकिल। एंड R इज़ रिट्रैक्शन प्लेन एज आई टोल्ड बिफोर इन G81। इट्स टोटली वर्क ऑन G99, एंड F इज़ अ फीड रेट। सो दिस इज द सिंटेक्स इज क्लियर, एंड लेट्स मूव ऑन टू फर्दर स्लाइड। सो G98 एंड G99, तो एज वी हैव डिस्कस्ड इन G81 साइकिल, तो G98 एंड G98 क्या होता है मैंने उसको एक्सप्लेन किया था G81 साइकिल में, इंग्लिश में एक्सप्लेन किया था, बट मैं इसमें कोशिश करूँगा हिंदी में समझाने की कोशिश क्या करूँगा ही। तो G98 क्या होता है? तो ये जैसे टूल है, यहाँ पे टूल है, ये टूल की टिप है। तो टूल की टिप जहाँ पे है ये इनिशियल पोजीशन है टूल की, ठीक है। तो ये G98 अगर हम लोग अगर एक होल की पोजीशन दे रहे हैं, अगर उसमें G98 करते हैं तो क्या होता है? अगर हम लोग पोजीशन में G98 देते हैं तो उस जगह उस पॉइंट पे होल करने के बाद टूल इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा अगर G98 यूज़ करते हैं तो। और G99 में क्या होता है कि हम लोग G99 जब यूज़ करते हैं तो उसमें R की वैल्यू देते हैं। अभी मैं आगे प्रोग्राम में दिखाऊंगा कि R की वैल्यू हम लोग ने दी है, तो R2, R5
जितना हम लोग को रिट्रैक्शन प्लेन और आर लेवल रखना है तो उसके हिसाब से रख लेते हैं। तो इसमें ऐसा होता है कि जिस पोजीशन पे हम लोग होल्ड करेंगे, होल्ड करने के बाद मतलब ड्रिल होने के बाद जो टूल है वो इस प्लेन पे आ जाएगा, मतलब आर लेवल पे आएगा। ये हम लोग इसलिए करते हैं कि जिससे हम लोग का साइकिल टाइम सेव हो सके तो इससे ये क्या फायदा, इससे फ़ायदा ये होता है कि जैसे हम लोग बहुत सारे होल कर रहे हैं, मतलब 10-12 होल्स कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले होल से सेकेंड लास्ट होल तक हम लोग G99 करते यूज़ करते हैं। मतलब एक बार अगर G99 दे दिया तो आगे के ब्लॉक्स में वो लीड करता है। तो अभी मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा मॉडल और नॉन मॉडल कोड्स क्या होते हैं, तो अभी तो फ़िलहाल मैं नहीं बता सकता, अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अभी G81 पे डिस्कस करना है। तो जो सेकंड लास्ट पोजीशन पे होल होने के बाद वो आर लेवल पे आएगा, और जब लास्ट होल होगा तो उसमें क्या हम लोग G98 दे देंगे। तो लास्ट होल होगा उसके बाद जो टूल है वो इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा। तो इसमें इसमें इतना ही डिफरेंस है। सो बेसिकली G98 एंड G99 जो बहुत सारे हम लोग को होल्स करने होते हैं तब यूज़ करते हैं। तो ये तो चलो हो गया, अब इसको मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो में इंक्लूड करूँगा क्योंकि इसमें बहुत कुछ है समझाने लायक। तो आगे स्लाइड पे बढ़ते हैं, G82 कंप्लीट करते हैं पहले। तो ये देखो, तो G82 डुअल साइकिल कैसे काम करता है। अगर ये G98 प्लेन है, मतलब इनिशियल प्लेन, एंड G99 रिट्रैक्शन प्लेन, एंड दिस इज Z0, और यहाँ पे ड्यूल साइकिल काम करती है। यहाँ पे जितना सेकंड्स हम लोग देंगे ये उतने सेकंड्स यहाँ पे टूल रुक जाएगा, मतलब उसका रोटेशन स्पिंडल ऑफ हो जाएगा कि बर और चिप्स वहाँ पे जो रह जाते हैं तो वो एकदम क्लियर हो जाएंगे, एकदम फिनिश हो जाएगा। तो टूल टिप आप देख ही रहे हैं, यहाँ तक करीब शैंक होता है, यहाँ तक शैंक होता है, ये पूरा वर्किंग एरिया है टूल का, और ये कोनिकल शेप है। इसीलिए फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था, ये एक सिमुलेशन वाले वीडियो में बताया था कि ये थ्रू होल क्यों नहीं हो रहा है। तो ये कोनिकल शेप है, अगर हम लोग लास्ट डेप्थ तक, अगर 10 mm की प्लेट है तो अगर 10 mm तक हम लोग -Z-10 देंगे तो ये कोनिकल शेप हो जाएगा, उस ये पॉइंट यहीं तक तो रहेगा। तो हम लोग 5 mm 3 mm एक्स्ट्रा देते हैं कि थ्रू होल हो जाए, तो Z15 देंगे अराउंड, तो हम लोग का थ्रू होल एंड फिनिश होल हो जाएगा। सो आगे बढ़ते हैं, और ये हम लोग का ड्रिल डाया है 10 mm का ड्रिल टूल, देखिए। एंड लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। सो नाउ प्रोग्राम, तो प्रोग्राम हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये ट्यूटोरियल 2 है इसलिए मैंने 2 नंबर प्रोग्राम रखा है, O002 N1 सीक्वेंस नंबर। ये हम लोग N1 N2 N2 N3 N4 में हम लोग चाहें तो सब में दे सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं होता है, आप एक बार दे दीजिए ये मशीन रीड कर लेगी खुद। एंड अब नेक्स्ट ब्लॉक है T02M06। T02 है टूल नंबर 2, मैगजीन 2 में लगा हुआ है, जो टूल मैगजीन होती है उसमें 2 नंबर पे लगा हुआ है। और M06 होता है ATC कमांड, ऑटोमेटिक टूल चेंजर। अगर बेसिकली इसमें M06 देने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हम लोग स्पिंडल में ही टूल को लोड कर देंगे, तो वो M06 जब यूज़ करते हैं, जब हम लोग बहुत सारे मल्टीपल टूल प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो M06 का यूज़ होता है। जैसे फर्स्ट टूल काम कर चुका तो M06 सेकेंड टूल में देंगे तो वो टूल, उस नंबर का टूल स्पिंडल में लोड हो जाएगा, तो इसके लिए M06 देते हैं।
बट मैंने यहाँ पे इसलिए कर दिया कि M06 मैं आपको बता सकूँ अच्छे से। और Z00, Z90, Z00 रैपिड मूवमेंट, Z90 एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग, हम लोग पूरा एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। और Z54 वर्क ऑफसेट इन Z54, Z40 कंपनसेशन कैंसिल, एंड G21, G17 XY प्लेन सेलेक्शन, एंड G21 प्रोग्रामिंग इन MM। अगर हम लोग इंच में करते प्रोग्रामिंग तो G20 हम लोग यूज़ करते हैं। G94 फीड है MM पर मिनट में, और G80 प्रीवियस कैंड साइकिल कैंसिल के लिए, क्योंकि हम लोग नई साइकिल यूज़ कर रहे हैं, तो अगर पहले अगर किसी भी प्रोग्राम में हम लोगों ने कोई भी साइकिल यूज़ करी है तो वो कैंसिल हो जाएगी। G97 स्पिंडल के लिए, S1000 RPM रहेगी स्पीड, और M03 क्लॉक वाइज रोटेशन होगी हम लोग का टूल। Z43 और होगा वो इसका टूल हाइट कंपनसेशन, Z100 हम लोग दे रहे हैं, H02 में देंगे। एक हाइट ब्लॉक होगा H02, उसी में हम लोग देंगे, और ड्रिल का हम लोग डाया भी देंगे उसी में। और जी तो हम उसके बाद नेक्स्ट ब्लॉक में Z0 Z5, तो हम लोग Z5 पे ले आएंगे टूल को अपने। उसके बाद Z00 X0 Y0 टूल, हम लोग इस ब्लॉक पे टूल यहाँ पे आ जाएगा, X0 Y0, और यहीं पे हम लोग का Z0 भी है प्लेट के जस्ट अबव, और उसके टूल हम लोग का Z5 पे है, और X0 Y0 यहाँ पे, और Z5 अबव द वर्क पीस Z5। एंड नाउ टाइम फॉर द साइकिल G82 G99, G82 ड्रिलिंग साइकिल विद ड्रिल, एंड G99। G99 एज आई बिफोर टोल्ड, आफ्टर ड्रिलिंग द होल द टूल विल मूव टू आर प्लेन एज वी हैव गिवन R5 हियर। उसके बाद हम लोग फर्स्ट पोजीशन देते हैं X30 दिस होल पोजीशन, एंड Y25 और Z-15। हम लोग की 10 mm थिकनेस है प्लेट की, हम लोग -15 क्यों ले रहे हैं मैंने अभी बताया था, क्योंकि एक मिनट मुझे फिर से बताने दें, ये टूल को देख रहे हैं आप, अगर हम लोग Z-10 तक लेंगे और थिकनेस हम लोग की प्लेट की 10 mm है, तो ये टूल देख कोनिकल शेप है, तो वो कोनिकल शेप वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे Z-10 लेगा ना, तो हम लोग थ्रू होल करते हैं तो हम लोग को थोड़ा ज़्यादा देना होता है, इसलिए हमने Z-15 ले लिया है। इसके बाद मेन थिंग आती है पी। हाँ, तो पी होता है, अगर पी वो ड्वेल टाइम ही होता है, और पी 2000 मिली सेकेंड्स, तो पी अगर 2000 देते हैं तो मशीन 2 सेकेंड के लिए लास्ट पॉइंट पे रुकती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मशीन यहाँ पे 2 सेकेंड के लिए रुकेगी, जिससे यहाँ पे बर और चिप्स जो रह जाते हैं वो हट जाएंगे पूरे, रिमूव एकदम फिनिश हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद अगर पी 2.0 लिखते हैं हम लोग तो मशीन 2 सेकेंड पड़ेगी, अगर P2 लिख देंगे तो मशीन 2 सेकेंड नहीं पड़ेगी, मशीन 2 मिली सेकेंड ही पड़ेगी, तो जो कि काफ़ी कम हो गया। तो उसके बाद तो ये मैं अभी सिमुलेशन में सिमुलेटर पे जब इसको प्रोग्राम रन कराऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। और R5 है आर प्लेन रिट्रैक्शन प्लेन, जब ड्रिल करने के बाद आर प्लेन पे आएगा, G99 दिया इसलिए, और फीड 100, ठीक है, फीड हम लोग MM पर मिनट में है। और नेक्स्ट ब्लॉक है M08, M08 कूलेंट ऑन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, कूलेंट ड्रिलिंग में कूलेंट ज़रूरी होता है। उसके बाद G99 हम लोग दे रहे हैं इस ब्लॉक में, क्योंकि लास्ट होल है हम लोगों का X80 Y50, तो इसके बाद हम लोग का ये इनिशियल पोजीशन पे चला जाएगा, हम लोग का होल टूल इनिशियल पोजीशन पे चला है, क्योंकि G98 दे रहे हैं हम लोग। इसके बाद Z00 Z100 टूल Z100 पे, फिर उसके बाद हम लोग ने जो G81 साइकिल G82 साइकिल यूज़ की है इसको कैंसिल कर देते हैं। G80 G49 ये हाइट कंपनसेशन जो हम लोग देते हैं
ये कैंसिल करते हैं। फिर इसके बाद G28 मैंने नहीं बताया था पहले प्रोग्राम में, तो G28 होता है होम पोजीशन। इसमें क्या होता है कि हर एक्सिस की एक होम पोजीशन होती है जो कि X0, Y0, Z0। तो ये Z100 पे आ गया, इसके बाद G28 यूज़ करने से X0 हो जाएगा, एक्स की एक्स ज़ीरो हो जाएगी, होम पोजीशन हो जाएगी, वाई होम पोजीशन हो जाएगा, जेड होम पोजीशन हो जाएगा। ये जेड होम पोजीशन पे टूल चेंज होता है। और M09 कूलेंट ऑफ, हम लोगों ने कूलेंट ऑन किया था ड्रिलिंग में, यहाँ पे यूज़ हुआ कूलेंट इस वाले होल को ड्रिल करने में यूज़ हुआ। इसके बाद यहाँ पे कूलेंट ऑफ कर देते हैं हम लोग, इसके बाद स्पिंडल ऑफ कर देंगे, और इसके बाद प्रोग्राम एंड देन रीसेट। अभी इसमें काफ़ी कोड्स यूज़ हुए हैं, तो जो कि जैसे G40, G41, G42 मैंने यूज़ नहीं किया है, और इसमें यूज़ भी नहीं होगा क्योंकि हम लोग अभी इसमें मिलिंग तो कर नहीं रहे, तो उसके भी प्रोग्रामिंग में बताऊंगा जिससे कि सब क्लियर हो जाएगा, लेफ्ट कंपनसेशन राइट कंपनसेशन। उसके बाद आगे काफ़ी साइकिल्स आएंगी लाइक G83, G84। मैं सीरीज़ में इसलिए बता रहा हूँ कि मतलब एक क्लियरिटी मिलती रहे एक एक ऑपरेशंस की। अभी काफ़ी ऑपरेशंस होते हैं, फेसिंग हो गया, मिलिंग हो गया, और पॉकेट बनाना, फिर IJK का यूज़ करना, तो काफ़ी कोड्स हैं। कुछ कोड्स की लिस्ट मैं अपलोड करूँगा जी कोड एम कोड की, तो वो जल्दी वीडियो आएगी जिससे थोड़े जी कोड और एम कोड क्लियर हो जाएंगे। बाकी इसमें G90 और G91 पे मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, और सेपरेट वीडियोस तो काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि प्रोग्राम में अगर मैं एक एक कोड एक्सप्लेन करूंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा प्रोग्राम, अराउंड 30 आधे घंटे का तो हो जाएगा, और आधे घंटे की वीडियो फिर कोई देखता नहीं है। तो मैं कोशिश करूंगा कि सेपरेट वीडियोस में एक वीडियो रोज़ अपलोड करूं, तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर करिए प्लीज़, क्योंकि आज मैंने थोड़ा हिंदी में यूज़ किया है पूरा ट्यूटोरियल। दोनों मिक्सअप करता हूं तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा हिंदी में ज़्यादा रहूं, क्योंकि काफ़ी लोग इंग्लिश समझ नहीं पाते, और इंग्लिश समझने वाले हिंदी तो समझ ही जाते हैं इंडिया वाले, तो देखते हैं। तो आगे मैं G83 साइकिल बनाऊंगा, उससे पहले मैं इसका GT2 का तो सिमुलेटर पे सिमुलेशन करके दिखाऊंगा। तो आप लोग जब भी मैं स्लाइड चलाता रहता हूँ तो आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करिए, जिससे कि आप लोग बाद में उसको पढ़ सकें एक बार। जैसे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका ले लीजिए, सिंटेक्स का तो बहुत ही ज़रूरी है, फिर इसका ले लीजिए, इससे पूरा G98, G99 पूरे इस पिक्चर से ही क्लियर हो जाएगा, समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके बाद इसका तो ले ही लीजिए जिस ये पूरे G82 को एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि G82 जो P कमांड है उसमें P जो ड्वेल टाइम है वो यहीं पर वर्क करता है, लास्ट पॉइंट पर, यहाँ पर टिप पे। तो लास्ट यहाँ पे जो डेप्थ देते हैं हम लोग Z0 जितनी भी देंगे जेड डेप्थ, जैसे -10, तो -10 वाली पोजीशन पे ड्वेल 2 सेकेंड के लिए रुकेगा, टूल 2 सेकेंड के लिए रुकेगा, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, इसको इसी को एकदम सेम प्रोग्राम आप लोग देखिएगा, मैं रन करके दिखाऊँगा, ठीक है। तो कीप वॉचिंग, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए प्लीज़, और सब्सक्राइब जरूर करिए। Keep supporting. Thank you.